और अब खबरें कुछ और। चुनाव थमते ही जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल रिलैक्स मोड में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार अब ईवीएम के खुलने का है। ज्योति खंडेलवाल से खास बात की संवाददाता भवर पुष्पेंद्र ने। थमा और मतदान प्रक्रिया भी पूरी हो गई। राजस्थान में अब जो भी प्रत्याशी थे उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल हैं जो कि जयपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं। ज्योति जी, बड़ी अलसाई सुबह है आज की। हाँ, निश्चित रूप से पिछले 45 दिनों से 50 दिनों से हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सुबह जल्दी निकल जाते हैं, पूरी टीम साथ में लग जाती है, निकल जाती है। और ये प्रयास रहा हमारा कि हम अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर सकें, उन तक पहुँच सकें। एक भागदौड़ भरी तो थी और आज थोड़ा उससे रिलैक्स हैं, थोड़ा परिवार के साथ बैठे हैं, समय बिता रहे हैं, थोड़ा फर्क तो है ही। चलिए, एक बात हम करते हैं, कल के दिन की हम बात करें और एक उससे पहले वाले दिन की, यानी पिछले दो दिन की और आज के दिन की बात करें। तीनों दिन में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? देखिए, परसों का दिन तो बहुत ज़्यादा तैयारियों का दिन था, जिसमें हम ये चाह रहे थे कि हमारे बूथ मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएँ, लोग जो हैं बैठ जाएँ, तैयारियां जो करनी थी उसको लेकर के काफ़ी व्यस्त दिन था। साथ ही साथ कि हम जानते हैं छोटी इंटरनल मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं, छोटी मीटिंग्स जो होती हैं वो भी थी, तो बहुत ऐसा कहें कि तैयारियों को लेकर के एक बहुत जो जोश और उत्साह था वो था। कल सब कुछ जयपुर की जनता पे निर्भर करता है। कल भी हम घूमे पूरा दिन, पूरे शहर में कई बूथों में जा कर के देखा भी। ईवीएम मशीन्स कई जगह ख़राब हुई, वो शिकायतें मिली, कई जगह पे बूथ मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी वो थी, तो एक था। लेकिन फिर भी ये था कि जयपुर की जनता के, मतलब हम हमारी मेहनत कर चुके थे और अब निर्णय जयपुर की जनता का था। ये विश्वास ज़रूर है कि जयपुर की जनता ने प्यार दिया है और समर्थन दिया, क्योंकि जयपुर ने पहले भी दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि है कि उन्होंने समर्थन दिया होगा। अब आज यूँ कहें कि ठीक है, हम भी हमारी मेहनत कर चुके और जनता भी निर्णय ले चुकी। रिजल्ट 23 को है और जैसा मैंने कहा कि जयपुर की जनता ने पहले भी साथ और समर्थन दिया है, और मैंने भी जयपुर की सुख दुख की लड़ाई को हमेशा लड़ा है, उनके सुख दुख में भागीदारी रही है, शामिल रही हूँ। जयपुर से अपनत्व है, लगाव है, जुड़ाव है, बेटी हूँ, बहू हूँ, यहाँ की यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं रहूँ, यहीं हूँ, यहीं से परिवार से संस्कार जयपुर की संस्कृति को लेकर के आए हैं, परेशानियों को समझती हूँ, जानती हूँ, समाधान जानती हूँ, काम करने का जज्बा है। तो मैं यूँ कहूँ, जयपुर मेरे लिए और मैं जयपुर के लिए, तो मैं यूँ कहना चाहूँगी, मैं मानती हूँ, पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि हाँ, जयपुर की जनता ने फिर मुझे समर्थन दिया और जयपुर की अपनी इस बेटी का मान निश्चित रूप से बढ़ेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।